आप देख रहे हैं SDN News, मुद्दे की बात आपके साथ। बिहार में बढ़ती गर्मी के बाद होने वाली मौत पर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने सरकार पर साधा निशाना। एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का हुआ आयोजन। स्वास्थ्य विभाग को आरे हाथों लेते हुए बदहाली को बताया मौत का कारण। मोर्चा ने धरना के माध्यम से चमकी बुखार व लू लगने से मरने वालों के लिए मुआवजे की मांग की। जिला पदाधिकारी के माध्यम से बिहार सरकार व राज्यपाल को भेजा ज्ञापन। सरकार से मांग करते हुए कहा कि बिहार के सभी अस्पतालों में चमकी व लू की दवा पर्याप्त मुहैया कराई जाए। इसके साथ ही डॉक्टरों को परवाही न बरतने का आदेश दिया जाए। पुणे के थाना चौक पर आयोजित हुआ धरना प्रदर्शन। प्रदेश के दिशा निर्देश पर एक दिवसीय धरना का आज कार्यक्रम है। धरना के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है मुजफ्फरपुर हो, नवादा हो और अन्य जिलों में जिस तरह से महामारी अभी फैला हुआ है, लगातार चमकी बुखार से, लू से बच्चे मर रहे हैं, पर सरकार का ध्यान इस ओर नहीं है। प्रशासनिक तंत्र विफल है, स्वास्थ्य विभाग अपनी निद्रा में सोई हुई है। अगर हमारा मानना है कि अगर बिहार सरकार एक्टिव रहते, जागरूक रहते, तो आज इस तरह की नौबत बिहार में नहीं आती। बिहार सरकार और भारत सरकार, नरेंद्र मोदी भी गर्व से बोलते हैं कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है। आप देख रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार में आम आवाम, गरीब बच्चों की यह दुर्दशा है। कितने मां के गोद सुना हो गए, तो किस तरह की डबल इंजन की सरकार है। इसके साथ साथ आप देख रहे हैं बिहार में जिस तरह से लूट खसोट मचा हुआ है, क्राइम कंट्रोल का सवाल हो, अभी अपराधी का हौसला बुलंद है और प्रशासन का हौसला पस्त है। आज जितनी घटनाएं हो रही है, चाहे वो लूट का हो रहा है, मर्डर हो रहा है, डकैती हो रही है, मोटरसाइकिल छीनते हो रही है, महिलाएं के गले से चैन छीना जा रहा है और आज वो घटना का उद्भेदन नहीं हो पा रहा है, तो बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है। तब बिहार सरकार को सरकार में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। हम बिहार सरकार से इस्तीफे का मांग करते हैं और अविलंब भारत सरकार से डिमांड करते हैं कि बिहार में हर हाल में अब राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। अब स्थिति बहुत बद से बदतर हो चली है बिहार का, आम लोग सुरक्षित नहीं है।